नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डंडई के सोनेहरा गांव में अतिक्रमण हुए भूमि को प्रशासन ने बुलडोजर चलवा कर कराया खाली। डंडई से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। डंडई थाना क्षेत्र के सोनेहरा गांव में मंगलवार को अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बार बार नोटिस देने के बावजूद बाजार की भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा जगह खाली नहीं करने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जगह को खाली करवाया। दरअसल यहां सरकारी भूमि को कई दर्जन लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिस पर संबंधित विभाग ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा प्रशासन के चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए मंगलवार को जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन की सख्ती देख आनन फानन में जो लोग अतिक्रमण किए थे अपने दुकान का सामान हटाने लगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सोनेहारा बाजार निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं कोई बवाल ना हो इसके लिए पुलिस बल मुस्तैद रही। आपको बता दें कि अतिक्रमणकारी बाजार समिति के जमीन पर अवैध कब्जा कर निजी मकान व गोदाम बना लिए थे। ग्रामीणों के द्वारा विभाग को कई बार इसकी सूचना दी गई, तब विभाग ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए पहला नोटिस 28 अप्रैल 2021 को किया। इसके बाद 3 बार और नोटिस किया। आखिरी नोटिस अंचलाधिकारी चोनाराम हेब्रंट ने अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर 29 मार्च 2022 को दिया, जिसमें 5 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार 11 बजे तक अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दिया था। इसके बावजूद भी कई अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया। अतिक्रमण हटाने का कमान संभाल रहे अंचलाधिकारी चोनाराम हेब्रन ने कहा कि सोनेहरा बाजार की सरकारी जमीन के कई हिस्सों पर 25 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर घर बना लिया गया था। उक्त व्यक्तियों को कई बार नोटिस दिया गया, अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। गौरतलब है कि सन 1914 ईस्वी में रंका राज गिरवर सिंह द्वारा शुरू किया गया बाजार के जमीन पर कई दर्जन लोगों के द्वारा धीरे धीरे करके जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया था और उस पर मकान बना दिया गया था, जिससे बाजार का क्षेत्रफल संकीर्ण हो गया था, जिसके वजह से बाजारकर्ता को बाजार लगाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यह कार्रवाई की। मौके पर अंचल अधिकारी सोनाराम हेब्रम एसआई संतोष कुमार अपने दलबल के साथ उपस्थित हैं। मैं सदियों से बाजार में अपना दुकान बना करके मेरे बाल बच्चों को घर गुजरता रहे थे, लेकिन आज प्रशासन द्वारा हम लोगों को मकान के बुलडोजर से गिरा दिया, तो हम लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। हम लोग से दरख्वास्त यही है, ठीक है, हम लोग अवैध थे, सरकारी भूमि में हम लोगों ने मकान बनाया था, ये नहीं कर रहे कि मेरा भूमि था, लेकिन और भी मकान यहाँ सरकारी भूमि में है। मैं प्रशासन से या उच्च पदाधिकारी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे गांव के सभी भी अतिक्रमण भूमि अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। और विशेष मैं क्या कर सकता, कितने लोगों का? करीबन 25 लोगों को नामजद है, लेकिन इनकी नापी से मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने फिर से नापी करें और नापी करके दागी करके बाकी जितने भी हैं सबको उजाड़े हैं। हम लोग उजड़ा, हम लोग खुश हैं, हम लोग नाखुश नहीं हैं। बेरोजगार होकर भी हम लोग खुश हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बेरोजगार से भीख मांगने लाएंगे, लेकिन नहीं, सबके साथ एक अन्याय होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ अन्याय होगा। अगर मेरा सिर्फ गिरा कर उन लोगों को नहीं गिराई जाएगी तो हमारे साथ अन्याय होगा। अवैध जगह पर ये था, बाजार समिति के जमीन में था, आज जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे गांव में बहुत सा ऐसे आम गर्मजरुआ, खास गर्मजरुआ में बहुत सा ऐसा भूमि है, खाता 2 खाता 22 की भूमि, जो कि उसको भी जो है हम सरकार से या प्रशासन से, यहाँ की प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि उन जमीन को भी खाली कर रहे हैं। और भैया हम अब कहाँ जाएं, बेरोजगारी करेंगे तो हमारे पास बचा नहीं, अब बाहर हम जाएं और क्या है, जो बाकी जगह है तो उसको तोड़ा जाए, क्योंकि और बहुत इधर से आपको मिलने का जगह मिला है, वहाँ पर भी पूरा घर बना के रख लिया है। बोल रहे सीओ साहब बोलते हैं कि हमको नोटिस दो, नोटिस दो, कितना बार नोटिस हम लोग भेज दें, नोटिस देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज़।
रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड।